टेस्ट का गैप निकलेगा। दो गो है सर, सर दो तो है। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल गिरी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। अभी जिन महोदय को आपने पैसे लेते देखा वो पलामू के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक जिला स्कूल के प्रधानाध्यापक करुणा शंकर तिवारी। हालांकि इनसे बातचीत के दौरान जितनी करुणा और दया इनकी बातों में झलक रही थी, राष्ट्र के निर्माण का जज्बा झलका, उसे देखकर एक पल के लिए आप झेंप जाएंगे। क्योंकि बदलाव की बात कर रहे प्राचार्य महोदय शॉर्टकट नहीं अपनाने की सलाह दे रहे हैं, पहले खुद सुधरकर दुनिया को सुधारने की बात कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण और विश्वगुरु बनने तक की लंबी डींगे हाँक रहे हैं। सेवक बनने का ढोंग रचने वाले चेहरे पर मासूमियत लिए इन महोदय की सच्चाई जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कभी भी कुछ गलत हो जाने पर या पकड़े जाने पर इंसान का पसीना छूट जाता है, और ये इकलौते ऐसे प्रधानाध्यापक दिखे जिन्हें पता चला कि उन्होंने नाजायज तरीके से, गलत तरीके से अभिभावकों से और छात्रों से पैसा लिया है, तो ये बात जानकर उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। गोंद खरीदने के लिए पलामू के छात्रों से इन्होंने 25,000 रुपये ले लिए। दरअसल जिला स्कूल को CBSE की मान्यता मिल चुकी है, LKG से 12th क्लास तक बच्चों का निःशुल्क नामांकन लिया जाना है, लेकिन नामांकन के लिए एडमिशन फॉर्म पैसे से बेचा जा रहा है, सीट भी बेचा जा रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एडमिशन फॉर्म के नाम पर प्रधानाध्यापक पैसे वसूलते नजर आ रहे हैं, और जब इस पूरे घटनाक्रम पर हमने प्रधानाध्यापक महोदय से बात की तो उनका जवाब क्या था और उनकी मुस्कुराहट आप खुद ही देखिए। अब पूर्ण रूपेण LKG से 12th तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी। झारखंड सरकार के तहत सारी सुविधाएं गरीब तबके के लोगों को भी, गरीब तबके के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वैसे छात्र छात्राओं को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार देने का प्रयास कर रही है, और हम लोग में भी बहुत खुशी का माहौल है। हम लोग भी पूर्ण रूपेण CBSE के तहत इंग्लिश मीडियम से बच्चों को शिक्षा देने में तैयार हैं, और इसी के तहत सारी व्यवस्था की जा रही है। तो पहले भी ये आवासीय था और मुझे आशा है कि यहाँ भी आवासीय का प्रयोजन है। तो ये पूरी सुविधा निःशुल्क है, एडमिशन फॉर्म वो भी लगभग निःशुल्क ही है। सर, और सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरह से शिक्षा का स्तर बढ़ा है, निजीकरण हुआ है, और कई ऐसे लोग हैं जो पढ़कर बड़े अधिकारी तो बन जा रहे हैं, लेकिन आप इसी ज़िले का यदि हम बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जो SEB की ट्रैप में आते हैं, तो क्या नैतिकता की कमी हो गई है कि बच्चे अधिकारी तो बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पुलिस के अधिकारी भी बन जा रहे हैं, लेकिन नैतिक बोध उनमें नहीं हो पा रहा है, इसका क्या कारण है और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है? क्योंकि शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता होते हैं और शिक्षक जो बुनियाद गढ़ते हैं बच्चों में, ऐसी क्या कमी रह गई है कि बच्चे बड़े होकर एक मुकाम तो हासिल कर लेते हैं लेकिन वो इंसान नहीं बन पाते? वो अपना अपना सोच है, विचार है, जैसी शिक्षा ग्रहण करेंगे वैसा ही आप आगे बढ़ेंगे, अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, ध्येय लक्ष्य अच्छा रखकर पढ़ेंगे तो अच्छा कार्य करेंगे। ध्येय और लक्ष्य यदि ठीक नहीं रहेगा तो गलत काम करेंगे। हम बच्चे पढ़ते क्यों हैं? पैसा कमाने के लिए नहीं, देश के अच्छा नागरिक बनने के लिए पढ़ते हैं। ये भावना यदि रहे, देश सेवा की भावना रहे, तो बच्चे कर्तव्य पथ पर जरूर आगे बढ़ेंगे। बच्चों में कमी है, अभिभावक में कमी है, या अब शिक्षकों में ऐसा कमी है कि बच्चों को दायित्व का बोध नहीं करा पा रहे? लगभग सबों में कमी आई है, इसमें सुधार होना चाहिए। बच्चे भी हैं जिन पर विश्वास करते हैं वो भी नकल करने लगते हैं, अभिभावक हैं वो भी ज़्यादा शॉर्टकट चलना चाहते हैं। इसलिए मैं देखा हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कि सब में थोड़ी कमी है, सबको सुधारना होगा। पहले अब हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तब जग बदलेगा। सबको सुधारना होगा तब राष्ट्र का निर्माण होगा, देश का निर्माण होगा, अच्छा राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, और फिर से वह मंजिल हासिल होगा। जी बिल्कुल, आपसे बात करके एक सवाल और पूछने का मन कर लिया। वैसे लोगों के लिए जो पथ से भटक गए हैं, चूँकि आप एक मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, तो उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे
जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और जो गरीब आम शोषित लोग हैं जिनका वो मदद कर सकते हैं उनसे पैसा ऐंठते हैं। वैसे लोगों को अपने कर्तव्य पथ पर चलना है, जो जहाँ हैं जिस कर्म में हैं उसको ईमानदारी पूर्वक निष्ठा पूर्वक करें, अपना दायित्व कर्तव्य के अनुसार निर्वहन करें निस्वार्थ, तो सब सुधर जाएगा, सब अच्छा बनेगा। सब अपना अपना दायित्व निभाएं निस्वार्थ भाव से तो सब सुधर जाएगा, कहीं कमी नहीं रहेगी, किसी को असंतोष नहीं रहेगा। लेकिन अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएं तब यह संभव होगा। इन बातों के पीछे एक वजह है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप राष्ट्र सेवा और अभी जो आप बातें कर रहे थे नागरिकता की नैतिकता की, उस वीडियो में आप दिख रहे हैं, वो वीडियो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उस वीडियो में छात्रों से पैसा लिया जा रहा है, जो सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है गरीब बच्चों को शोषित वर्ग के लोगों को निःशुल्क शिक्षा देने का, ये जो उपक्रम शुरू किया गया है इसकी बुनियाद जो रखी गई है, इसकी जो शुरुआत हो रही है वो भ्रष्टाचार के तले हो रही है, रिश्वतखोरी के वजह से हो रही है। और उस वीडियो में आप स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि नामांकन फॉर्म देते वक्त आप पैसा ले रहे हैं, बतौर राशि फिक्स कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? है तो इस पर हम कॉपी देंगे विद्यार्थियों को, गोंद दे रहे हैं, पिन दे रहे हैं, स्टेपलर दे रहे हैं, क्वेश्चन देंगे, कॉपी देंगे, टीचर की व्यवस्था करेंगे, संडे को परीक्षा लेंगे, कॉपी चेक करेंगे। इसके लिए सरकार इसके लिए व्यवस्था नहीं दे रही है? नहीं दे रही है तो इसके लिए लिए हैं। ये जायज़ है? जायज़ ही समझिए, कहाँ से कॉपी देंगे, क्वेश्चन देंगे, बनाएंगे, टीचर मेहनत करेंगे, सब चीज़ तो निःशुल्क ही है। यही समझना चाह रहे हैं कि अगर सरकार आपको अगर व्यवस्था नहीं दी है तो फिर हम सरकार तक इस बात को लेकर पहुंचेंगे, जिला प्रशासन, हम उपायुक्त महोदय से बात करेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात करेंगे। आखिर जब सब कुछ सुविधा निःशुल्क देना है तो फिर इस फॉर्म के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं और ये कितना जायज़ है आपके तरफ से? ये सबसे नहीं लिया, जो दिया उससे लिया, जो नहीं दिया वो नहीं दिया। हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे, उसमें हमने देखा कि अलग अलग तीन चार अलग अलग लोग हैं, दो फॉर्म जिन्होंने लिया, आप इशारे में ऐसे उंगली से 200 आप इशारा कर रहे हैं, कुछ उधर से लोग हैं। हाँ आइए सामने से वीडियो बनाइए, आ जाइए सामने से वीडियो बनाइए। वैसे भी ये वीडियो चैनल पर चलाने के लिए ही ले रहे हैं। हाँ हम लोग चोरी छुपे कोई बात करने या किसी तरह से आपको, हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम आपसे क्यों बात करने हैं, आप आराम से वीडियो ले सकते हैं हमारा। तो उस वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप अलग अलग लोगों से पैसा ले रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण रहा? वो मैंने बताया कि जो व्यवस्था में खर्च है उसके लिए सब स्कूल लेते हैं, मैंने कभी नहीं लिया। गिरवर हो गए, केजी हो गए या ब्राह्मण हो गए, नामांकन के लिए पैसा लिया जाता है, एडमिशन फॉर्म के लिए? एडमिशन फॉर्म के लिए, लेकिन मैंने नहीं लिया। नहीं आप, मैंने फ्री में दिया। आप ही वीडियो में दिख रहा है? अभी 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 के लिए, पिछले कई साल से मैंने नहीं लिया, बाकी सब लोग स्कूल लेते कितना हैं। फॉर्म अभी तक यहाँ से? 250 तो इस 25,000 रुपये का आप गोंद खरीदेंगे, इस 25,000 रुपये से आप गोंद खरीद के और बच्चों सब का नाम नहीं दिया, सबने नहीं दिया, सबसे लेना चाहिए था, नहीं लिए, जो दिया सो लिए, जो नहीं दिया सो नहीं दिए, किसी से हमने ज़बरदस्ती नहीं किया। तो आप संतुष्ट हैं पैसा लेकर? पैसा लेकर क्या, व्यवस्था के लिए लिया है मैंने अपने लिए। आपको कहीं से गिल्टी फील, कहीं से अंतरात्मा से कोई मन में कोई सवाल नहीं उठ रहा कि हमने गलत किया? ये नहीं, हमने गलत नहीं किया। तो सुन रहे थे आप करुणा शंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं, इनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, इस वीडियो को भी हम आपको दिखाएंगे और उस वीडियो में क्या है, पैसा क्यों लिया जा रहा है, अभी आपके सामने जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं इन्होंने बताया। पहले देखिए उस वीडियो को। बिना टेस्ट तो नहीं होगा, टेस्ट का डेट निकलेगा 200 दो गो है सर, सर दो है।
आपने अभी वीडियो देखा, वीडियो में स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि आपने इशारा किया, दो फॉर्म जिसने लिया था उसे 200 रुपये आपने लिया, वो 500 का नोट देता है, बदले में आप उसे 300 वापस भी करते हैं। एक महिला साइड में खड़ी है, वो भी पैसा देती हैं। एक और इंसान जो दिख रहे हैं वीडियो में, मैं नाम नहीं जानता उनका, उन्होंने भी पैसा दिया। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद कई ऐसे वायरल वीडियो आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? दबाव नहीं है किसी से, जो व्यवस्था में खर्च है उसके लिए लिया है, और ऐसा किसी को आपत्ति है तो नहीं लेंगे, वो भी नहीं लेंगे, स्कूल से ही करेंगे। हमारे समझ से आपको नहीं ही लेना चाहिए, क्योंकि आप जिस पद पर हैं, आप जिस कुर्सी पर हैं, इसकी एक गरिमा है, और इस गरिमा को 100 रुपये में बेच दिया जाए ये कहीं से उचित नहीं है। और हम उम्मीद करेंगे कि अब जो छात्र आएंगे, अब जो अभिभावक आएंगे, उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। नहीं लेंगे, अब से जो आएंगे नहीं लेंगे, ऐसे बहुतों से नहीं लिया। देखिए सड़क के किनारे बहुत से लोग हैं, सब फ्री में ले गए, हमने किसी से ज़बरदस्ती नहीं किया। अब किसी से नहीं लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। चलिए, हमारी भी यही कोशिश है, और किसी का अगर हो सके, जब फॉर्म जमा होने करने हैं तो उनका पैसा आप लौटा दीजिए। यदि सरकार निःशुल्क सुविधा प्रोवाइड करा रही है तो हमारा और आपका दायित्व है कि हम उस सुविधा को लोगों तक पहुँचाएँ, ना कि उनसे पैसा वसूलें। ठीक, बिल्कुल ठीक है, ठीक है।